आपको बारबेक्यू मलाई बोटी की रेसिपी बताएंगे, जो बनाने में नहायत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है, ये 1 से 1.5 किलो तक की मुर्गी है, मैंने हड्डी वाली दी है, इसका थोड़ा अपना टेस्ट होता है और बोनलेस भी आप ले सकते हैं। 1 कप दही, 1 पैकेट क्रीम का, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 लेमन जूस और ये हरा धनिया 1/2 कप और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, इनको आप ग्राइंड करके पीस लें। अब इन चीज़ों को हम मुर्गी के साथ अच्छी तरह इसको लगा कर मैरिनेट करके कम से कम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये इसको अच्छी तरह से इसमें मसाला लग जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा। अब ये चीज़ें धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, हरे धनिया का पेस्ट और क्रीम, इन चीज़ों को सबको मिक्स करते हैं। सफ़ेद तिल, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और लेमन जूस, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और फिर मुर्गी के साथ लगा के रख देना है। ये बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है रेसिपी और बहुत अच्छी होती है। अब बस आप अब ये इसको मुर्गी को अच्छी तरह से ये लगाकर इसको 4 से 5 घंटे के लिए आप रख दें और फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब ये 3-4 घंटे से मैरिनेट किया हुआ ये चिकन पड़ा हुआ है, अब इसको हम पकने के लिए चढ़ाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना और इसको हम लोग मीडियम आग पे रखेंगे, ताकि इसका पानी अपना काफ़ी निकल आएगा और ये उसमें गल जाएगी। बस मुर्गी ने और दही ने पानी छोड़ा है, इसलिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसका पानी जैसे खुश्क होगा, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ताकि इसको हल्का सा भुना जाए और फिर उसके बाद हम 1 कोयले को चूल्हे पे लाल करके इसको उसकी स्मोक देंगे और ये बिल्कुल बारबेक्यू के इसकी खुशबू इसमें से आएगी। अब ये देखें, मलाई चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, अब इसको हम स्मोक देंगे कोयले का। अब ये कोयला आप चूल्हे को ऐसे थोड़ा सा रख के लाल कर लें और इसको ऐसे रखें, हल्का सा ऑयल पे ड्रिजल कर दें ताकि ये धुआं देगा और इसको 10 मिनट के लिए इसको चिकन हम डाल रहे हैं। हमने कहते हैं इसको निकाल दिया, ये तैयार हो गई है बारबेक्यू चिकन मलाई बोटी। अब इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर दें हरी मिर्च वगैरह से।